इंदौर नगर निगम की टीम ने गुरुवार को विजयनगर क्षेत्र में बापट चौराहे पर स्थित बापट नर्सिंग होम पर गंदगी फैलाने के आरोप में 20,000 का आर्थिक दंड लगाया और प्रबंधन को आगे से गंदगी नहीं फैलाने को लेकर चेतावनी भी दी। कोरोना संक्रमितों की संख्या इंदौर में सतत बढ़ रही है, साथ ही वहीं ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना जमकर धूम मचा रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल की लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने का काम कर रही है। इंदौर के बापट नर्सिंग होम की लापरवाही को देखकर स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, मास्क और अन्य सामान बोरे में भरकर दीवार के सहारे रखे हुए हैं, जिस पर नगर निगम द्वारा चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके नर्सिंग होम द्वारा अमल नहीं किए जाने पर शुक्रवार को अस्पताल प्रबंधक पर 20,000 का स्पॉट फाइन करने की कार्यवाही की गई। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बताएंगे आप, सूचना मिली थी हमें कि बापट नर्सिंग होम के अंदर कुछ कोविड पेशेंट भर्ती हैं, वहाँ पर उनका जो वेस्टेज था पीपी किट, मास्क वगैरह और भी जो भी वो मेडिकल का जो वेस्टेज था, इन्होंने वो भर के अपने साइड में पड़े हुए कैंपस के अंदर उन्होंने जमा दिए थे, बहुत काफ़ी मात्रा में, हमने 20-25 बोरे जमा दिए उन्होंने। इनको पहले समझाया भी गया था परसों जा करके कि इसको आप हटाओ, यहाँ से हटाया नहीं, फिर बाद में वहाँ आपत्ति आने लगी नागरिकों की कि ये पेशेंटों का कचरा जो है वो इन्होंने यहाँ पर पटक रखा है। इनको समझाने के बावजूद इन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया, इसलिए आज इनके ऊपर 20,000 रुपये का स्पॉट फाइन किया गया। सर एक बात और जानना चाहूँगा, आपने जो कार्रवाई की है आपके साथ साथ कौन कौन मौजूद थे और आपका पदनाम और नाम और पदनाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश डांगोरिया, मेरे साथ में सहायक CSI सुमित जी थे और अनुराग जी थे और साथ में वार्ड दरोगा जायसवाल जी भी थे और विष्णु डांगोरिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।